एक दो एंड तीन एंड फाइनली वो टाइम आ चुका है जब मैं आपको अपनी गाड़ी दिखाता हूँ कि भाई गाड़ी कैसी है। यक्षु कैसी लग रही है? एक नंबर। अच्छी लग रही है? अनु कैसी लग रही है? बढ़िया। और हम लोग गाइस पहाड़ों के बीच में आए। कौन सी लोकेशन है भाई? ये कहाँ पे आए हम लोग? मनाली के हाईवे पे है ना। हाँ, सुगेन में भाई, इनमें पहले खेती होती थी। एनीवे मेन मुद्दा आता है कि भाई प्राइस क्या कुछ रहेंगे, तो यहाँ पे गौरव भैया से पूछता हूँ कि गौरव भैया प्राइसेस क्या कुछ रहेंगे, फुल बॉडी रैप कराते हैं। सो व्हाट्स अप पीपल, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। अपनी नई गाड़ी आ चुकी है, देखनी है तो इंस्टाग्राम पे जाके फटाफट फॉलो कर लीजिए। रही बात भाई गाड़ी नई कैसे आई, तो मैंने पुरानी गाड़ी रेट्स थी वो आपको पता ही, कास 24 पे बेची थी। कास 24 पे मैं इसलिए गया, मेन चीज ये थी कि भाई देखो मैं डीलर पे गया तो बहुत ज्यादा RC ट्रांसफर है, ये है वो है, इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती मेरे से। सबसे बड़ी बात है कि घर बैठे बैठे मैंने बुकिंग करी। अगर आपको भी बुकिंग करनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, होम इंस्पेक्शन करवा सकते हो, आपके घर पे आएंगे। एंड सबसे बड़ी बात है कि भाई कोरोना का अगर आपको डर लगता है तो उनके फोन में आरोग्य सेतु ऐप होगा, टेंशन फ्री रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर पे बैठे बैठे आपकी बुकिंग करवा सकते हैं। एक दो नहीं, कितनी गाड़ियों की आपको बुकिंग करानी है, एंड बैठे बैठे आपको आपकी गाड़ी का प्राइस मिल जाएगा कि भाई हाँ आपकी गाड़ी कितने में सेल हो सकती है। आपकी मर्जी, आपको बेचना है नहीं बेचना वो आपके ऊपर है, पर आप इंस्पेक्शन करा सकते हैं, इंस्पेक्शन टोटली फ्री है एंड उसमें आपको बिल्कुल भी इशू नहीं आएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कास 24 का, आप जाके अपनी गाड़ी जो है सेल करवा सकते हैं, इंस्पेक्शन करा सकते हैं, अपॉइंटमेंट घर पे बैठे बैठे बुक करा सकते हैं। रही बात गाड़ी की, तो रही बात अपनी गाड़ी की, तो आज से जो अपनी बलिनो है उसका नाम ग्रीन हल्क है। तो भाई कमेंट सेक्शन में #GreenHulk लिख दीजिएगा एंड गाड़ी जो अल्टीमेट लग रही है भाई, मेक श्योर एंड तक देखिएगा। दिन का जो है वो सीन आपको मेन देखना जरूरी है, रात की तो आपको दिखी जाएगी बट दिन में भी मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी है, तो उसमें आपको एक्चुअल में समझ आएगा कि गाड़ी का कलर क्या है। बिकॉज रात में समझ नहीं आ रहा, मैं बता दूं रात में लोगों को बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है कि आर्मी कलर है, आर्मी कलर नहीं है ये। दिन की वीडियो देखिएगा, थोड़ी सी आप एंड तक देखोगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा, एक बार बोल रहा हूं वर्थ है देखना इतना। तो भाई बिना आए से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फाइनली वो टाइम आ गया जब अपनी गाड़ी का एक्चुअल कलर हम लोग रिवील करेंगे। तो यहाँ पे पुनीत भी है। पुनीत भैया कैसा कलर लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है यार, मजा आ गया बिल्कुल। फर्स्ट टाइम है ना, अनएक्सपेक्टेड सा था कुछ। हाँ, लग नहीं रहा था कुछ ऐसा निकल गया, डाइसी सा लग रहा था कि अच्छा हो गया या नहीं हो। डाइसी सा मैं भी लग रहा था कि यार इस पे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक, किसी ने किया नहीं है बिल्कुल। गौरव भैया क्या आपका था कि ऐसा लग रहा था कि होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पहले ऐसा लग नहीं रहा था, है ना? हाँ जी। सो गाइस एक दो एंड तीन यहाँ पर है अपनी बलिनो भाई, फाइनली जैसी लग रही है। एंड सीरियसली बताऊं, जब गाड़ी मतलब अगर आप कभी रैप कराने आओ एंड आप आधी अधूरी गाड़ी देखोगे तो आपको भी लगेगा नहीं कि भाई गाड़ी अच्छी लग रही है, नहीं जब तक पूरी पैक नहीं हो जाती गाड़ी आप कुछ नहीं बोल सकते। एंड फाइनली गाड़ी भाई पर्सनली सेइंग मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई। यहाँ से मैं गौरव भैया से कुछ चीज़ें पूछूंगा, तो गौरव भैया कोई भी कस्टमर आए तो कितने दिन का टाइम लेके चले मिनिमम? कम से कम 2.5 से 3 दिन। 2.5 से 3 दिन है ना, क्योंकि उससे पहले मतलब हो तो जाता है इमरजेंसी में, पर वही बात है कि अगर तसल्ली से कराना हो तो अपनी गाड़ी हो तो आराम से होना चाहिए, है ना? बिकॉज जल्दी का काम शैतान का काम होता है ना। तो राहुल भैया, गौरव भैया मेरे को यहाँ पे आप दो तीन चीज़ें बताओ कि क्या क्या हो रखा है इस गाड़ी में सब, तो सो दैट कि मतलब सबको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो आप मेरे को बताओ कि ये रैप कौन सा हो रखा है? ये रैप है मैट मेटालिक मॉस ग्रीन। ठीक है, मैट मेटालिक, तो फर्स्ट टाइम हो रखा है मेरे हिसाब से अभी तक, फर्स्ट टाइम इन इंडिया है ना, बिल्कुल। एंड रूफ इसके हमने ड्यूल टोन में करी, तो रूफ कौन सी रहने वाली है अपनी यहाँ पे? ग्लॉस ब्लैक रहेगी यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई ग्लॉस ब्लैक है ये रूफ। तो राहुल गौरव भैया मैं आपसे दो तीन चीजें पूछना चाहूंगा कि धोने वोने में कोई दिक्कत गाड़ी में? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वॉश करते हो वैसे कर सकते हैं ना। एंड सपोज कि अगर मेरा यहाँ पे कुछ यहाँ पे मान लो स्क्रैच लग जाता है, कुछ लग जाता है, तो उसका क्या रहता है? पैनल एक चेंज हो जाता है ना, तो पूरी गाड़ी का रैप चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो एक पैनल जो चेंज हो जाता है ना। तो ये पूछना चाहूंगा कि गौरव भैया की मतलब पूरी गाड़ी करने में कितना टाइम लगेगा? 3 दिन। डेंटिंग पेंटिंग सब मिला के? सो गाइस डेंटिंग पेंटिंग मिला के ऑलमोस्ट 3 दिन का आप सोच सकते हैं कि भाई 3 दिन का जो है अपना टाइम कुछ लग सकता है। इसकी कुछ गारंटी वारंटी होती है कि मान लो किसी ने धूप में खड़ी कर रखी है, वो सोचे कि भाई मेरा धूप में जो है कलर फेड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ सीन है? ऐसा कुछ नहीं है, वो चाइनीज रैप में होता है। चाइनीज रैप में होता है अपना, ये हमने एवरी डेंशन का लगा है ना, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई कि ऐसा कोई भी सीन नहीं है। सपोज करिए कि इस पे कोई अपना कार्बन फाइबर टाइप कराना चाहते हैं गौरव भैया, तो हो जाएगा वो? बिल्कुल हो जाएगा ना। सो गाइस इस पे इन केस अगर आपको जो है कार्बन फाइबर कराना है तो आप वो भी करवा सकते हैं, वो आपके टाइम पे होता है। मेन पेंटिंग डेंटिंग सब कुछ हो जाती है अपने यहाँ पे, सब कुछ हो जाता है ना। सो गाइस पेंटिंग डेंटिंग सब कुछ हो जाती है यहाँ पे, फिर भी मैं आपको एक बार वॉक अराउंड देता हूँ और एक्चुअल में जो है अपनी फुटेज में आपको दिन में सिनेमैटिक शॉट्स दिखाऊंगा कि भाई गाड़ी जो है कैसी कुछ लग रही है। अच्छा गौरव, एक चीज पूछना चाहूंगा कि अपने अलॉय जो हैं अभी ये जो पिछला कलर है वही है, तो इसको चेंज करेंगे तो कुछ गाड़ी के एनहेंस लुक होंगे? बिल्कुल बिल्कुल,
तो हम लोग कौन सा सोच रहे हैं अभी? कलर मत बताओ कौन सा सोच रहे हैं? बढ़िया सोच रहे हैं, है ना? हाँ जी, कुछ बढ़िया सोच रहे हैं कि गाड़ी के साथ ही मैच करेगा, है ना? सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई अभी जो है हम लोग इसके अलॉय चेंज सोच रहे हैं कि भाई अलॉय में जो है कुछ चेंज लगेगा। उसके बाद एक बार गौरव भाई पीछे आ जाओ। सो गाइस, साथ ही साथ आपको पीछे के लुक्स दिखा दूं। तो गौरव भाई, ये जो मास्किंग है ये क्यों कर रखी है हम लोगों ने? ये मोनोग्राम के लिए। मोनोग्राम के लिए, ताकि अंदाजा पड़ जाए कि कितना कुछ लगेगा। तो यहाँ पे पुनीत भाई अपने साथ में, एक बार पुनीत भाई जो है यहाँ पे लगाते हुए दिख जाएंगे आपको। तो गाइस देख सकते हैं कि ये जो है एक बार अपना मोनोग्राम लग रहा है, एंड इसका मेन यूज था मास्किंग करने का टेप्स, की आपको अंदाजा पड़ जाएगी एक्चुअल में कहाँ पे लगाना है। एंड यहाँ पे जो है मास्किंग उतरने लग रही है भाई। और इसमें क्या होता है, मेजरमेंट ली जाती है जब इसको लोगों को उतारा जाता है, ठीक है? तो वो OEM हो जाए, बिल्कुल OEM हो जाए, मतलब ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल ना। सो गाइस, यहाँ कंपनी वाले भी मेजर करते हैं, अगर मारुति भी मेजर करती है, वो यही कह सकती है कि ये लोकेशन पे सही जगह पे नहीं लगा हुआ, एक्जैक्टली एकदम बीच में लगा है ना। सो गाइस, यहाँ पे पुनीत मैंने जैसे कि आपको बताया कि भाई मारुति जो सेम सीन करती है वहीं पे करती है ना। आप देख सकते हैं भाई गाड़ी के जो कितने लुक्स बोल्ड आ रहे हैं पीछे से। अच्छा पुनीत भैया, गौरव भैया, मेरे को एक चीज बताइए कि RC में कुछ इश्यूज आते कि नहीं आते? लोगों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है, ये लोग आप बीच में आ जाएगी बार, तो उसके क्या कुछ मिनिमम अपने मतलब वो रहते हैं, पॉइंट्स रहते हैं कि भाई हाँ मिनिमम ये आपको उनके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा? तो इसमें अगर आप कलर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो लीगली देखा जाए तो आप RC वायलेशन तो कर रहे हैं, बिल्कुल RC वायलेशन हो रही है, क्योंकि आपकी गाड़ी का जो कलर है, बिल्कुल, आप उसको चेंज कर रहे हैं तो RC वायलेशन कर रहे हैं, जिसका फाइन है, ठीक है, जो करीबन 5-10 हज़ार के बीच में स्टेट टू स्टेट वैरी करता है, बिल्कुल। लेकिन कुछ कलर्स ऐसे हैं जो कंपनी के पैलेट से मैच होते हैं, बिल्कुल, कंपनी 8 कलर्स में गाड़ी निकालती है, ठीक है, उनसे मैचिंग कुछ कलर्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें इश्यूज नहीं आते। आप बिल्कुल वाइब्रेंट कलर्स करा दीजिए, येलो करा लीजिए, पिंक करा लीजिए, कुछ क्रोम करा लीजिए, तो उन कलर्स में थोड़ा सा इशू रहता है। लेकिन हाँ, ड्राइविंग पे डिपेंड करते हैं कि आपकी गाड़ी ड्राइव कितनी होती है, ठीक है, अगर आप इवनिंग पे ड्राइव करते हैं सिर्फ 10-15 किलोमीटर चलाते हैं तो कोई इशू नहीं होता, ऐसे पुलिस के इश्यूज होते नहीं, कोई इशू नहीं होता। सो गाइस, यहाँ पे मैं गौरव भैया से पूछूंगा 2-3 पॉइंट्स की अपनी गाड़ी क्यों कोर्ट लीगल है एंड क्या कोर्ट के नए ऑर्डर्स आए थे। तो पहले मैं कोर्ट के ऑर्डर्स पूछता हूँ गौरव भैया से। गौरव भैया, क्या कोर्ट के ऑर्डर्स थे अपने? कोर्ट के ये ऑर्डर है कि 50% बेस कलर दिखना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या करा है, बिल्कुल, ये बेस कलर है, ठीक है, ठीक है, ये, ठीक है, स्पॉइलर, ठीक है, ठीक है, ABC पिलर्स, ठीक है, यहाँ पे हमने इसमें मिरर भी टेस्ट दीजिए, बिल्कुल, और ये आपकी ग्रिल, ये ब्लैक रहती है, बिल्कुल, एंड थोड़े दिन में अपने अलॉयज हैं वो भी मिलते जुलते होने वाले हैं। सो गाइस, जैसा कि गौरव भाई ने आपको यहाँ पे बताया कि अपनी गाड़ी जो है रोड लीगल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अपने 50% ऑलमोस्ट पार्ट वो बन जाते हैं जो अपनी गाड़ी का बेस कोट आता है। एंड यहाँ पे मेरे किसी भाई को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पूछ सकता है। हालांकि इस चीज़ में अभी थोड़ा बहुत मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि बातें चल रही हैं कोर्ट में, बट मेन कोर्ट का क्या ऑर्डर आया था कि आपकी गाड़ी का जो है बेस कोट दिखना चाहिए। उसके पीछे रीज़न ये है कि भाई चोरी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब हम छोड़ते हैं, बट हाँ आपकी गाड़ी का जो बेस कोट है वो दिखना चाहिए। तो यहाँ पे पुनीत भैया पूरा टच दिया है ना हम लोगों ने कि अपनी गाड़ी जो है रोड लीगल रहे। गाड़ी की असली पहचान पता चलेगी एक्चुअल में क्या कलर है ना, बेस कलर है, बिल्कुल। बिल्कुल। सो गाइस, जैसे कि पुनीत भाई ने अभी बताया कि हम लोगों ने पूरा ध्यान यहाँ पे दिया है कि अपनी गाड़ी भाई रोड लीगल रहनी चाहिए। गौरव भाई ने बताया कि रूल्स क्या रहेंगे यहाँ पे अपनी गाड़ी के, तो ऐसा कुछ है। हम जो है अब दिन में आपको दिखाएंगे अपनी गाड़ी कैसी कुछ रहने वाली है। गौरव भैया, इसके साथ साथ यहाँ पे मेरे को एक बार यहाँ का अपना एड्रेस बता दीजिए कि एड्रेस क्या है, एंड साथ साथ और सर्विसेज भी बता दीजिए, सो दैट किसी को, मान लीजिए रैप हर कोई नहीं कराता, अपनी वैसे ही बात है ना, हर कोई नहीं करा सकता रैप, बिकॉज रैप में टाइम भी बहुत लगता है एंड उनको लोगों को डर भी लगता है, कई लोगों के भाई पुलिस का आज भी डर है इंडिया में, है ना? सो गाइस, पुलिस का आज भी डर है इंडिया में कि भाई मैं रैप करा लूंगा मेरी गाड़ी में तो कैसे कुछ रहेगा। उसी के साथ से गौरव भैया, मेरे को ये बताइए क्या क्या सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं, क्या एड्रेस रहेगा अपना यहाँ पे, एंड क्या कुछ आप लोग अभी ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे? तो पहले एड्रेस से स्टार्ट करिए। एड्रेस रहने वाला है इसका प्लॉट नंबर 21, ठीक है, बाईपास रोड, ठीक है, अपोजिट अदानी CNG पंप, फरीदाबाद, ठीक है। सो गाइस, याद रहिए फरीदाबाद वाला रैपहोलिक्स है अपना, तो कंफ्यूज ना होइए प्लीज, एंड भैया ने एड्रेस बता दिया कि अपोजिट अदानी CNG पंप रहेगा ये। सेकंड, मेरे को बताइए क्या क्या सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड होती है हमारे यहाँ पर? वॉशिंग,
मेन मुद्दा आता है कि भाई प्राइस क्या कुछ रहेंगे, तो यहाँ पे गौरव भैया से पूछता हूँ कि गौरव भैया प्राइसेस क्या कुछ रहेंगे, फुल बॉडी रैप कराते हैं तो अपनी गाड़ी का कितना? 25,000। तो ये हर गाड़ी डिपेंड करते हैं या ये स्टार्ट हो जाते हैं हमारे? सो गाइस 25,000 से स्टार्ट होते हैं, मेक श्योर डिपेंड करता है कौन सा रैप आप चूज कर रहे हैं, बिल्कुल है ना, गाड़ी टू गाड़ी पे डिपेंड करते हैं। अच्छा गौरव भैया दूसरी चीज बताइए कि अपनी छत, किसी को सिर्फ छत रैप करानी हो भाई, ये गाड़ी रैप ना करानी हो तो 3,000 फॉर छत है ना, एंड साइड के अपने साइड फोल्डिंग मेजर्स कराने हो तो 1500। तो गाइज ये कुछ प्राइस थे जैसे कि भैया ने बताया, 1, 2 एंड 3 एंड फाइनली वो टाइम आ चुका है जब मैं आपको अपनी गाड़ी दिखाता हूँ कि भाई गाड़ी कैसी है। यक्षु कैसी लग रही है? एक नंबर। अच्छी लग रही है? अनु कैसी लग रही है? बढ़िया। और हम लोग गाइस पहाड़ों के बीच में आए, कौन सी लोकेशन है भाई, ये कहाँ पे आए हम लोग? मनाली के हाईवे पे है ना, सुगेन में भाई, इनमें पहले खेती होती थी। एनीवे 2 एंड 3 एंड फाइनली भाई अपनी गाड़ी ये रही। अब मैं आपसे एक एक चीजें करके बताता हूँ भाई। सबसे पहले बहुत से भाइयों का डाउट था और अब बात करते हैं कि भाई कई लोगों को डाउट था कि आर्मी वाला कलर है इलीगल है। मैं पहले बता दूं, देखो रैप इलीगल जब होता है जब आपकी गाड़ी की कोट बेस कोट है विजिबल ना हो, अपनी गाड़ी की बेस कोट जो है विजिबल है तो रैप इलीगल नहीं है। दूसरा ये आर्मी कलर नहीं है ना, आर्मी कलर क्यों नहीं है बताओ? कैमोफ्लेज होता है, ऑलिव होता है वो, और ये अपना जो है डार्कर शेड में थोड़ा। यक्षु क्या है भाई ये बताओ, लोगों को डाउट है थोड़ा कि आर्मी कलर है अपना, क्यों नहीं है? अलग होता है ना। So guys, ये जो है आर्मी कलर नहीं है भाई, ये अगर आप पास में आपको बारीकी से दिखाऊं तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि भाई आर्मी कलर ये नहीं होता। एक मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा उसमें आपको समझ में आएगा कि आर्मी कलर एक्चुअल में क्या होता है। तो पहले भाई गाड़ी का पूरा अपना वॉक अराउंड में देता हूं और आपको समझ में आ जाएगा कि भाई गाड़ी जो है कैसी कुछ लग रही है। एंड सेम अगेन हमको पीछे से भी छुपाना पड़ा बिकॉज भाई मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे इशूज आते हैं। यहां से शायद आपको अच्छे से अंदाजा पड़ जाएगा कि गाड़ी का जो कलर है वो एक्चुअल में कैसा कुछ है एंड गाड़ी जो है कैसी कुछ लग रही है। पीछे जाके दिखाऊं मैं तो पूरे भाई आपको अल्टीमेट लुक्स दिखेंगे। मैं पर्सनली बोलता हूं ये गाड़ी इतने ज्यादा लोगों की आईज कैच कर रही है जिसकी कोई हद नहीं, मतलब इतने ज्यादा लोग इसको मुड़ के देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़िया जो रिस्पांस है मेरे को देखने को मिल रहा है। आई होप कि आपको कलर जो है पूरा अच्छे से दिख रहा होगा। एक बार मैं अर्नव बोलूंगा कि उस तरफ मुंह करके खड़ा, अर्नव एक बार गाड़ी को इस तरफ मुंह करके खड़ा कर दे बिकॉज फ्रंट नहीं आ रहा, उसको उस तरफ मुंह करके दे ताकि आप लोग फ्रंट का भी अंदाजा पड़ जाए कि गाड़ी जो है फ्रंट में से कैसी मुंह उस तरफ होना चाहिए। धूप पीछे की है ना तो पीछे के दिख रहे हैं लोग सिर्फ। तो भाई अभी एक बार जो अर्नव है मुड़ के आपको दिखाएगा पूरी गाड़ी को एंड फिर उसके बाद आपको अंदाजा पड़ जाएगा कि गाड़ी के एक्चुअल कलर्स कैसे हैं। मे भी आपको शायद इतना ज्यादा बढ़िया से ना दिख रहे हों कैमरा में, बट हाँ यहाँ पे अभी जो एक बार गाड़ी मुड़ जाएगी तो दिखाते हैं। गाड़ी भाई ऐसी कुछ लग रही है। तो गाइस गाड़ी के अपने लुक्स ऐसे कुछ हैं एंड आई होप कि अब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि भाई ये जो गाड़ी है ये आर्मी वाला कलर नहीं है एंड ये डिफरेंट कलर है। तो यहाँ से पास में ले जाके दिखा दूँ मैं आपको। टाइम कितना लगा तो भाई इसको कंप्लीट होने में कम से कम मैं बताऊँ 4 से 5 दिन लगे थे। सारा प्रोसेस है, पिछली वाली वीडियो में मेरे कुछ भाई बोल रहे थे कि भाई तुमने डेंटिंग पेंटिंग का प्रोसेस नहीं दिखाया, तो मैंने जो है वीडियो शॉर्ट रखने की कोशिश करी थी सो दैट आप लोगों को बोरियत महसूस ना हो। स्टिल अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई मैं एक डेंटिंग पेंटिंग की वीडियो लेके आऊँ तो श्योर लेके आऊँगा। ये जो सारा काम है भाई रैप का वो हुआ है अपना रैप हॉलिक्स फरीदाबाद वाली ब्रांच में एंड भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है। अर्नव भाई गाड़ी का नाम सजेस्ट करो, गाड़ी का नाम क्या करें? हल्क। सो गाइस ग्रीन हल्क रख दें। सो गाइस गाड़ी जो है आज से अपनी ग्रीन हल्क है, इसे ग्रीन हल्क बुलाया करेंगे, नो मोर 9942। ये है आज से अपनी ग्रीन हल्क एंड आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। भाई नई गाड़ी आ गई है ना, कब ली डिलीवरी? कल ही लिया ना। सो गाइस नई गाड़ी भी आ चुकी है एंड यक्षु से बोलता हूँ भाई यहाँ पे, यक्षु नई गाड़ी आ गई भाई, कौन सी आई है? गलत प्राइस मिलेगा आपको। कितना? कितना सारा क्या सोच भी नहीं सकते। अन्नू यक्षु ने प्राइस की घोषणा कर दी भाई, बहुत सारा प्राइस मिलेगा सही गाड़ी बताने में। कितना दिन बताओ, क्या प्राइस देना है यक्षु की तरफ से? यक्षु की तरफ से 1 किलो लहसुन चटनी बनाने के लिए। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, अब मैं बताता हूँ भाई क्या क्या हो रखा है। तो अभी जो इसमें गाड़ी में चेंजेस क्या होंगे कि भाई अपने जो ऊपर का ये ब्लैक पार्ट है ये ग्लॉस में जाने वाला है बिकॉज ये मैट में, भाई कैसा लगा ग्लॉस में?
जो ये फ्रंट में देख रहे हैं सारा ये ग्लॉसी ब्लैक हो जाएगा। सो गाइस ये ग्लॉसी ब्लैक होगा, अपने साइड के जो मिरर्स हैं वो भी ग्लॉसी ब्लैक में रैप हुए हैं, आपको यहाँ से दिख रहा होगा भाई, ये जो है ग्लॉसी ब्लैक में सेम रैप करे गए हैं, बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड इसी के साथ साथ अपनी जो छत है वो भी ग्लॉस ब्लैक में वो रैप करी गई है, जैसे कि आपको पहले भी दिख गया होगा। डेंट्स वेंट्स जो है वो सारे निकाल दिए गए थे, डिलीट कर दिए गए थे। तो कैसा लग रहा है भाई ग्रीन हल्क अपना, प्लीज लिख के बताइएगा मेरे को। एंड अर्ना ने काफी ज्यादा अच्छा नेम सजेस्ट करा, यक्षु कैसा है भाई, नाइस नेम नो। सो गाइज ये है अपनी, और मैं आपको बता दूं कि अपनी नई गाड़ी आ चुकी है, 100% आ चुकी है, सून आपको उसकी वीडियो देखने को मिलेगी। एंड आई होप कि आप सब लोगों को पसंद आएगी। पीछे की बात करूं तो पीछे क्या चेंजेस हैं, तो भाई देखो ये जो चीज़ है ना, ये अभी क्या है, ये हमने इस पे इसका जो स्पॉयलर है ब्लैक पेंट होगा, गाड़ी जो है मैं जल्दी जल्दी लेके आया था, तो कुछ चीज़ें आपको इसमें भी कमी दिख रही होंगी माइनर सी, वो सारी एकदम डिलीट करी जाएंगी। एंड उसके बाद आपको एकदम नेक्स्ट लेवल जो है भाई गाड़ी देखने को मिलेगी। एक सजेशन मेरे को आपसे और चाहिए कि भाई मुझे अलॉय व्हील्स बताइए कि अलॉय व्हील्स जो है मैं ब्लैक करवाऊँ या यही रहने दूँ। मिक्स से मेरे को सजेशंस मिल रहे हैं, कोई बोल रहा है कि भाई इसके साथ मैच कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं भाई इसके साथ मैच नहीं कर रहे हैं। अरे ब्लैक होने चाहिए या ऐसी रहनी चाहिए, यही सही लग रहे हैं यक्षु, ब्लैक नहीं अच्छी, ग्लॉस ब्लैक अच्छी लगेंगे। सो गाइस उम्मीद हम ये कर रहे थे कि भाई ये ग्लॉस ब्लैक मैं यही वाले जो है अलॉयज कर रहा हूँ। आप भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कैसे हैं। तो एनीवेज गाइस मेरे को इतना ही आपको दिखाना था, आई होप कि आपको दिन के भी पसंद आ गए हो, लुक्स जो भी हो, कुछ भी कमी बेशी लग रही हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि हाँ हर्ष भाई ये कमी लग रही है मैं आपकी गाड़ी में, ऐसा कुछ जो भी है। एनीवेज भाई लोग अब जो है सिनेमैटिक शॉट्स थोड़े से इन्जॉय करिए और उसके बाद हम मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा भाई अपनी ग्रीन हल्क जो है पूरी तैयार हो चुकी है, एंड अब जो है नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली आपको अपनी नई गाड़ी की वीडियोस देखने को मिलेंगी, बिकॉज इसको जो है हम इसी कंडीशन रखेंगे। एंड सबसे बढ़िया चीज क्या है भाई इस गाड़ी की, मेरे को लग रही है कुछ भी ओवर न्यू एंड बहुत ज्यादा डिसेंट कलर मैंने चूज करा है। कुछ लोगों के मन में डाउट था कि भाई आर्मी ग्रीन है, वैसा कुछ नहीं है ये। एंड रही बात लीगैलिटी की, तो अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग बेस कोट की बात करें तो गाड़ी की बेस कोट जो है विजिबल है अपनी ग्रेनाइट ग्रे, मैंने बता दूं आपको, खाका छोड़ रखी है। एंड उसके बाद ये कलर का रैप है, स्टिल जो भी लॉक होता होगा मैं उसके साथ जाऊंगा पूरा, मैं उसके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। एंड मेरा मेन ये बात क्लियर करने का मतलब इसलिए था बिकॉज बहुत से मेरे भाई थे उनको डाउट था कि आर्मी ग्रीन कलर है, तो आर्मी ग्रीन कलर नहीं कराया मैंने, रिसर्च करेगा ऑलिव कलर में जाता है और अपना है टोटली डिफरेंट शेड है भाई ये। एनीवेज भाई लोग कैसी लगी अपनी ग्रीन हल्क मुझे कमेंट सेक्शन लिख के बताएगा। पर्सनली मेरे से पूछा जाए तो जब मैं इसको करवा रहा था मेरे को थोड़ा डाइसी सा लग रहा था कि भाई हाँ जो गाड़ी है वो अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, बिकॉज ये कलर है बहुत सोचने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने चूज किया था, बट जो फाइनल प्रोडक्ट आया काफी ज्यादा अच्छा आया है एंड रिस्पॉन्स भी काफी ज्यादा बढ़िया मिला। एनीवेज भाई लोग आज की वीडियो इतना ही था, उम्मीद करता हूं पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं और इस वीडियो तक के लिए बाय, धन्यवाद।